मुसलमानों को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होगी। शस्त्र कम से कम 1,00,000 रुपए वाला तुम्हारे पास होना चाहिए। मैं मनमोहन सिंह के छाती में कि रक्षा बिना शस्त्रों के नहीं होती है। मैं एक विशेष रूप से देख रहा हूँ कि संविधान बनवा के लाया हूँ, ये अपने संत समाज के लिए लाया हूँ। जेनोसाइड या नस्ल कुशी क्या है? किसी मुल्क या कौम के लोगों की एक बड़ी तादाद को कत्ल करना ताकि उस मुल्क या कौम को तबाह बर्बाद किया जा सके, इसे नस्ल कुशी कहा जाता है। ऐसी नस्ल कुशी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पहले की जा चुकी है। हम उनमें से कुछ पर यहाँ बात करेंगे और फिर आखिर में इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि जहाँ भी ऐसी किसी नस्ल कुशी का खतरा हो तो वहाँ इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। जर्मनी नस्ल कुशी, इसे होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। हिटलर के राज में जर्मनी में 60 लाख से ज्यादा लोगों, खास तौर से यहूदियों को खत्म करने की बड़ी प्लानिंग की गई। पहले धीरे धीरे यहूदियों को पब्लिक लाइफ से दूर किया गया, उनके खिलाफ सैकड़ों कानून बनाए गए और उन्हें बदनाम करने का प्रोपेगेंडा चलाया गया। फिर नाजी पार्टी ने जर्मनी भर में यहूदियों पर सिलसिलेवार हमले करवाए जिसमें यहूदियों का बेइंतहा जानी व माली नुकसान हुआ। 1994 की रवांडा नस्ल कुशी, रवांडा के दो नस्ली गिरोहों हुटू और टुत्सू की आपसी कश्मकश ही रवांडा नस्ल कुशी का सबब बनी। जब हुटू, जो अक्सरियत में थे, हुकूमत उनके हाथों में आई तो उन्होंने टुत्सियों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव शुरू कर दिया जो आगे चलकर नस्ल कुशी में बदल गया, जिसमें 8,00,000 टुत्सियों को कत्ल कर दिया गया। बोस्निया नस्ल कुशी, अप्रैल 1992 में सर्बिया ने बोस्नियाई मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर नस्ली सफाई की कार्रवाई शुरू की। सर्बियाई फौज ने औरतों और छोटी उम्र की लड़कियों के साथ गैंग रेप किया और मर्दों को कत्ल किया। सर्ब फौज कैंपों से लोगों को उठाकर ले जाते और उन्हें गोलियों से भून देते। ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा जिसमें 1,00,000 से ज्यादा लोगों को दर्दनाक मौत दे दी गई। याद रहे कि नस्ल कुशी अचानक शुरू नहीं होती बल्कि ये एक लंबा सिलसिला होता है, जैसा कि जर्मनी, रवांडा, बोस्निया और म्यांमार में हमने देखा। ठीक इसी तरीके से आरएसएस और उससे जुड़ी तंजीमें भारत में मुसलमानों और दूसरी अकलियतों के खिलाफ नफरत का माहौल तैयार कर रही हैं। इंटरनेशनल इदारे जेनोसाइड वॉच ने नस्ल कुशी के 10 स्टेज बताए हैं। क्लासिफिकेशन यानी दर्जाबंदी, सिंबलाइजेशन यानी अलामतबंदी, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, डीह्यूमनाइजेशन यानी गैर इंसानी बर्ताव, ऑर्गेनाइजेशन यानी लोगों को मुनज़्ज़म करना, पोलराइजेशन यानी नफरत की बुनियाद पर बंटवारा, प्रिपरेशन यानी तैयारी, प्रोसिक्यूशन यानी जुल्म व ज्यादती, एक्सटर्मिनेशन यानी खात्मा और डिनायल यानी सबूतों को मिटाते हुए जुर्म से इनकार। भारत में इनमें से 8 स्टेज पूरे हो चुके हैं। आरएसएस का क्याम भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के मकसद के साथ हुआ। आरएसएस के बानी हिटलर और नाज़ीज़्म की तारीफ करते हैं और उन्होंने बड़ी चालाकी से भारतीयता को हिंदू कल्चर का नाम दे दिया। हिंदू कल्चर को फॉलो ना करने वाली आबादी यानी मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों को आरएसएस ने विदेशी का नाम दिया। आरएसएस ने उन्हें अंदरूनी दुश्मन करार दिया। अपने क्याम के वक्त से ही आरएसएस इस पर काम कर रहा है। हिंदुत्व ताकतों ने भारत में कई मुस्लिम व ईसाई मुखालिफ कत्लेआम किए, जो नस्ल कुशी की एक शक्ल है, जिसका एक खूनी मंजर 2002 की गुजरात नस्ल कुशी में देखा गया। गुजरात में संघ परिवार के जरिए निकाली गई भीड़ ने हजारों मुसलमानों को कत्ल कर दिया। मुसलमानों के घरों और कारोबारों को जला दिया गया, मर्दों, औरतों और बच्चों को कत्ल किया गया और मस्जिदों और मजारों को तहस नहस कर दिया गया। इस तरह 2000 से ज्यादा लोग मार दिए गए और 1,00,000 से ज्यादा लोगों को कैंपों में पनाह लेना पड़ी, जहां उन्हें बुनियादी जरूरतों से भी महरूम रखा गया। भारतीय मीडिया दिन रात नफरत फैलाकर लोगों को बांटने में लगी है ताकि हुक्मरान ताकतों की हुकूमत चलती रहे। सियासी लीडर मुसलमानों के पहनावे, कल्चर और दूसरी चीजों को गलत तरीके से पेश करके गैर मुसलमानों की नजर में उनकी तस्वीर खराब करने में लगे हैं। यहाँ तक कि होम मिनिस्टर और पीएम भी खुलेआम ऐसी बातें करते नजर आते हैं। इसके अलावा आरएसएस गांव-गांव में खुफिया कैंप चलाकर हिंदू नौजवानों और बच्चों के दिलो दिमाग में
नफरत का जहर घोल रहा है। 2014 में इनकी हुकूमत बनाने के बाद से बहुत सी हिंदुत्व तंजीमों ने खुलेआम मुसलमानों के सफाई की दावत देनी शुरू कर दी है। यहाँ तक कि आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल की तरफ से नौजवानों में हथियार भी बांटे जा रहे हैं। नस्ल कुशी का माहौल बनाने के लिए धर्म संसद भी किए जा रहे हैं। जेनोसाइड वॉच के फाउंडर व डायरेक्टर ग्रेग स्टेंटन का कहना है कि भारत में नस्ल कुशी की निशानियां देखी जा रही हैं। रवांडा नस्ल कुशी के बारे में भी ग्रेगरी ने 5 साल पहले ही खबरदार कर दिया था। भारत के मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारियां क्या बनती हैं ताकि हम अपने दस्तूरी हकूक की हिफाजत कर सकें और एक इज्जत की जिंदगी जी सकें? हमारी तैयारियां क्या हैं? हमारी मुस्लिम जमातों और तंजीमों की क्या तैयारियां हैं? मस्जिद कमेटियां, उलमा और समाजी तंजीमें कितनी तैयार हैं? हमें ये सवाल खुद से पूछना चाहिए कि इन हालात के लिए हम कितने तैयार हैं। अगर हम ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हमारे हालात भी जर्मनी के यहूदियों, रवांडा के टुत्सियों, बोस्निया के मुसलमानों और म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिमों से अलग नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि नस्ल कुशी को रोका कैसे जाए? क्या हमने पूरी संजीदगी से हालात पर काबू पाने की जिम्मेदारी को कबूल किया है? भारत में नस्ल कुशी को रोकने में हमारा क्या रोल होगा? पहली जिम्मेदारी खुद मजलूमों की है। इसमें समाज के हर तबके को अपना रोल अदा करना होगा। भारत के मौजूदा पस मंजर में हम ऐसी किसी भी नस्ल कुशी को रोकने के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। हर मौलाना, ट्रस्ट, इदारे, इंटेलेक्चुअल, प्रोफेशनल एनजीओ, मस्जिद कमेटी को नस्ल कुशी को रोकने में अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। सबसे पहला काम अपने तमाम इख्तिलाफात को भुलाकर इस कॉमन खतरे के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा और तालीम, सियासत और माली एतबार से खुद को मजबूत करना होगा। इसके साथ ही सामाजिक और सियासी मुद्दों में सरगर्मी और सही सोच के साथ हिस्सा लेना होगा। जमीनी हकीकतों को सही से समझना होगा क्योंकि हकीकत के इनकार से कुछ नहीं होने वाला। जमीनी सतह पर तहरीकें बनानी होंगी और नस्ल कुशी की ताकतों के खिलाफ आवामी दिफा तैयार करनी होगी। समाज के उन सभी तबकों के बीच बड़े इत्तेहाद के लिए काम करना होगा जो नस्ल कुशी की सियासत के खिलाफ है। हर तरफ से एकजुटता बनानी होगी। हेट क्राइम्स के वाकयात के खिलाफ रिकॉर्ड जमा करें, दस्तावेज बनाएं और कानूनी कार्रवाई करें। अगर ये तमाम काम करने में कामयाब रहे तो नस्ल कुशी की कोशिशों को नाकाम बनाया जा सकता है और इसे कामयाबी के साथ रोका जा सकता है।